सिटी लाइफ को छोड़कर कुछ पल के लिए ही सही हम निकल पड़े अपनी अगली धुन में ऋषिकेश। गाइज वॉच माई वीडियो टिल एंड बिकॉज लास्ट पार्ट इज सो इंटरेस्टिंग। सीन कुछ ऐसा है, अभी सुबह के 5:15 हो रहे हैं और मैं ऋषिकेश आया हूँ किसी काम से। तो सुबह का व्यू बहुत अच्छा आता है वहाँ का, लक्ष्मण झूला तो बंद है राम झूला का, तो मैं राम झूला की तरफ आया हूँ। बहुत ही अंधेरा था और ये मेरे पीछे राम झूला। मोबाइल थोड़ा ख़राब हो गया है, सुबह से दिख नहीं रहा पूरे ढंग से, पर बढ़िया है। आज का प्लान यही है कि थोड़ा मॉर्निंग व्यू भी देखना राम झूले का, और लक्ष्मण झूला तो बंद है। ये आया बाइकर और मेरे नीचे ये गंगा रिवर है, ये पीछे ये है इधर। इतनी सुबह यहाँ पे भी कोई भी नहीं है, बस मैं ही अकेला दिख रहा हूँ। राम झूला लक्ष्मण झूला तो बंद है, उस पर रिपेयरिंग का काम चल रहा है। और सुबह का व्यू राम झूले का बहुत अच्छा है, लाइटिंग होती है पूरी, देखो वायरों पे ये ये ये, ये। बस इसके बाद मैं जाऊंगा परमा निकेतन आश्रम, वहाँ पर भी बहुत अच्छा व्यू आता है। और राम झूला पीछे और मैं आगे परमा निकेतन की तरफ जहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति है। एक्चुअली मैंने अपने दोस्त को बुलाया था साथ में आने के लिए, पर वो आया नहीं, उसने देहरादून से आना था, तो फिर अकेले ही आ रहा हूँ बैग। फाइनली मैं आ चुका हूँ परमा निकेतन आश्रम में और मेरे पीछे है हनुमान जी की बड़ी मूर्ति, ये रही। और पीछे है उधर, अभी दिखाता हूँ, सस्पेंस। गाइस समझ ही गया मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। तो मेरे राइट में है हनुमान और लेफ्ट में है क्लॉक टावर और मेरे स्ट्रेट में है लॉर्ड शिवा। यहाँ पे अपना कितना भी टाइम स्पेंड करो पता ही नहीं चलता, बैठे रहो बस यहाँ पे, मज़ा ही मज़ा आता है। पता नहीं क्या है ऐसा इस जगह में, ऐसा कोई भी जगह हो जैसे धार्मिक जो सारी जगह होती हैं उनका मज़ा ही कुछ और होता है। तो सब लोग यहाँ पे शांति के लाते हैं। मैंने
फाइनली मैं इस चीज़ के लिए यहाँ पे आया था। मेरे पीछे है भगवान शिव की मूर्ति, इस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आया था। ये कभी कभी पीछे वाला जो गेट है वो बंद रहता है, तो यहाँ पे आने का मौका नहीं मिलता। शायद शाम के टाइम पे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा आपको आने का, तो सुबह शायद गेट खुला रहता है। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आप घंटों तक बैठ सकते हो, दिक्कत नहीं है। और शाम के समय यहाँ पे 6 बजे से 7 बजे के करीब यहाँ पे आरती होती है। शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी, पर बैठे रहो वहीं पे। इसके लिए पीस। दूसरी लोकेशन दिखा दूँ आपको, शायद पीछे राजस्थान वाले लोग सर, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। और ये कोई मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे परफेक्ट व्यू है, यहाँ से आएगा परफेक्ट व्यू। गाइस अगर किसी को लाइव आरती देखनी है तो ये है परमार्थ निकेतन का, वो देख सकता है। अभी मॉर्निंग में तो होती नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, रात को होती। मैंने वहाँ से एग्जिट ले लिया है और भगवान शिव की मूर्ति से जो पीछे थी, और मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ परमार्थ निकेतन। यहाँ पे भी कुछ स्टैचूज हैं, देखता हूँ क्या क्या है। ये भी बहुत सुंदर बना रखा है, पीछे शिव जी की मूर्ति है। और एक गार्डन तो बहुत सुंदर बना रखा है, पर बारिश शुरू हो गई है, मुझे कैमरा बंद करना पड़ेगा अपना, क्योंकि फ़ोन वाटरप्रूफ तो है नहीं, एक बार ख़राब हो चुका है, पैसे भी पड़ चुके हैं, तो इसलिए फाइनली बंद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है बंद करने के अलावा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये व्यू तो यहाँ का बहुत अच्छा है। जगह देखो बस, मैं थोड़ा सोचा कि वहाँ भी घूम लेते हैं त्रिवेणी घाट, सो दिस इज़ त्रिवेणी घाट एंड यू कैन सी द वादियाँ हियर इन डाउन। Thank you.
आजकल बारिश के सीज़न में पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है, इसलिए ध्यान से रहना, ध्यान से जाना।